बिग बॉस के प्रतियोगी एजाज खान को नवी मुंबई के स्टार होटल से एंटी नारकोटिक सेल ने गिरफ्तार किया है। जब एजाज खान को गिरफ्तार किया गया तब उसके पास से 2.3 मिलीग्राम ड्रग्स की गोलियां मिली है। साथ ही दो मोबाइल फोन और उसकी फॉर्चुनर कार को भी कब्जे में लिया है। आज अभिनेता एजाज खान को जब गिरफ्तार किया गया तो वो नशे के हालत में थे। एजाज खान को नवी मुंबई बेलापुर स्थित अदालत में मंगलवार को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी सुनाई है। फिलहाल पुलिस ये पता करने में लगी है कि ये ड्रग्स का सौदागर कौन है। एजाज खान के वकील का कहना है कि दो लड़कियों ने उन्हें गिफ्ट दिया था। एजाज सरकार के खिलाफ बोले थे, इसलिए उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे, आज उनको रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया था। रिमांड में प्रोड्यूस करने के बाद हमारा यही डिफेंस है कि किसी ने उनके हाथ में ये केस्टार होटल में थमाया था। तो एज पर द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है। 2.3 ग्राम्स के कुछ मेटाफिल कुछ नाम का ड्रग्स मिल चुका है, तो अभी उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। 2 दिन का पुलिस कस्टडी, हमने दलील पेश की है कोर्ट के सामने, और अभी 2 दिन के बाद ही समझ में आएगा वेदर ही वॉज एक्यूज्ड, वेदर ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर क्राइम। अभी तो यही मेरे मुवक्किल के बारे में यही कहूँगा कि मैं जब तक टिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, मेरा तो यही कहना है ही इज़ दी इनोसेंट पर्सन। आपके क्लाइंट बार बार कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, आप बता सकते हैं कौन फंसा रहा है? डेफिनेटली आई एम द लॉयर एंड आई कांट मेक एनी सबमिशन बिकॉज मैटर इज प्रीजुडाइज बिफोर द कोर्ट। नहीं नहीं, तो आप कह रहे थमाया, किसने थमाया? तो कोई दो लेडीज, उसका ये कहना है एज पर हिज इंस्ट्रक्शन टू मी कि दो लड़कियां आई थी और एक मिनट रुको ना यार, बोलने तो बात पूरा कर रहे थे। प्लीज, प्लीज, तो उनका कौन लाया था? कोई दो लड़कियां, उन्होंने उनका साइन लेने की कोशिश की, ऑटोग्राफ लेने की कोशिश की, और उसके बाद ही पुलिस की रेड वहां पे पड़ी है और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। तो ऑटोग्राफ कमरे में लेने पहुंचे थे? नो, केस्टार होटल में, होटल लॉबी में। इसमें हमको एक खबर थी जिसके तहत एक शख्स के साथ नारकोटिक सब्सटेंसेस या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जिसे कहते हैं बैन ड्रग्स, वो है। इसलिए जब होटल में रेड किया गया तो एजाज खान को अटक किया गया है। उसके साथ 8 एक्सेसी टैबलेट्स मिले हैं जिसकी तकरीबन जो वज़न है वो 2.3 ग्राम्स है। इट इज़ अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, उसके तहत उसको अटक किया गया है और आगे की तहकीकात एंटी नारकोटिक्स ब्रांच कर रही है। मैं इतना ही कमेंट करूंगा कि हमको एक जानकारी मिली थी जिसके तहत एक शख्स आ रहा है जिसके पास बैन सब्सटेंस है और उसके तहत हमने कार्रवाई की है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।